कि सिद्धार्थ गौतम जो उन्होंने शिक्षा दी, तो उस शिक्षा को हम लोग, मैं उसको ग्रहण करता चल रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने, गौतम सिद्धार्थ थे, उन्होंने बोला था कि देखो ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, आपकी जो भी समस्याएं हैं, आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है जो है, तो वो साइकोलॉजिकल फ्रंट पे आप लड़िए, और साइकोलॉजिकल फ्रंट पे आप उसको हल कीजिए। तो जो जो चीज़ जो है अभी प्रॉब्लम चल रही है कि बच्चे का, जो बच्चा पैदा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, बच्चा जो पैदा होता है वो कभी धर्म मांगता भी नहीं है, और ज़बरदस्ती उसके गले में पड़ जाता है, गले में पड़ गया जो है, एक ज़बरदस्ती जो है किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुसलमान बना दिया, किसी को क्रिश्चियन बना दिया, किसी को जो है हमने सिख बना दिया, तो ये बहुत बड़ी साजिश हुई है उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर। तो उसके लिए जो है, जैसे आप वकील हैं, तो उसके लिए जो है, जो हमारा संविधान है, संविधान हमारा जो है, जो 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 हायरार्की है, तो वो समानता की बात करता है संविधान, समानता बंधुता शिक्षा की। हाँ जी, समानता बंधुता शिक्षा के ऊपर जो है बात करता है, लेकिन जैसे ही धर्म आता है तो वो जो है पूरा का पूरा जो है वर्टिकल हायरार्की हो जाती है। तो जितने भी सत्ताधारी रहे हैं, हाँ जी, जो सत्ताधारी जो हैं हमारे, वो चाहते हैं कि जो है वर्टिकल हायरार्की रहे, और संविधान देता है जो है वो हमारी पैरेलल जो है, हॉरिजॉन्टल जो है, जो है पार्ट जो है हमारी हायरार्की। तो अगर मान लो आपने देखा, तो चलो ठीक है, अभी आपने आवाम के लिए, जनता के लिए ये गिटार के माध्यम से क्या तैयार किया? मैंने जो है अभी बच्चों के लिए जो है, बच्चों को सलाम, 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 सारी दुनिया के बच्चे हैं प्यारे, इनको कोई धर्म ना दे, उनकी मर्जी के बिना, बच्चों की मर्जी के बिना बच्चों को धर्म बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और उसके लिए अगर हम संविधान की मदद से जो है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट एजुकेशन लगा देते हैं, तो मैं कहता हूं कि हमारी जो जो पूरी इस मुद्दे को अगर हम चर्चा में ले आते हैं जो नेशनल फ्रंट पे, तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। क्यों? जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो है बेरोजगार बने हुए हैं, तो वो चाहते हैं अपना धर्म छोड़ना। क्यों? वो चाहते हैं कि जो है ये धर्म के नाम से जो है उनको फंसा के जो है जी, वो तो सत्ता में बैठे हैं लोग, और बेरोजगारी हैं, तो बेरोजगारों को जो है उनको धार्मिक बनाया है बच्चों को। तो साजिश क्या हो रही है कि बच्चों को धर्म के नाम से जो है कावड़िया बना दो ताकि वो नौकरी ना मांगे, बच्चों को जो है धर्म के नाम से जो है मटका फोड़ी करा दो, बच्चे नौकरी ना मांगे, बच्चों को जो है आप गणपति बाबा मौर्या करा दो, नौकरी ना मांगे, बच्चों उलझा गए, बच्चों को जो है ईद कराओ, बच्चों को जो है रोजे करवाओ, बच्चों को नमाज पढ़वाओ, है जी, बच्चों को घंटी बजा के जो है रोज जो है, या हनुमान चालीसा करवाओ, तो बच्चे जो है बिजी रहेंगे, वो नौकरी मांगेंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी सोची समझी रणनीति है जो है सत्ताधारियों की। अच्छा, दूसरी बात, धर्म जो है कभी अधिकार की बात नहीं करता है, धर्म अधिकार की बात नहीं करता, और ये सूट करता है जितने भी सत्ताधारी हैं। तो कभी भी आप देखें जो है, कभी जो है कोई भी धर्म आपके जो अधिकार हैं वो छीनता है, तो संविधान के दिए हुए अधिकारों को छीना जाता है धर्म के नाम से। तो इसका मतलब है हम लोगों को इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए,
इसको डिबेट पे लाना चाहिए और बहुत ज़ोर से डिबेट पे लाना चाहिए। मेरे को नहीं समझ आ रहा जो है बहन मायावती जो है क्यों इस मुद्दे को नहीं ले रही, क्या बहन मायावती तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही, या जो है उसको समझ नहीं है, या उसके जो है चारों तरफ जो है लोग ब्राह्मण और ठाकुर बैठे हैं जी। तो मैं उनको भी संदेशा देना चाहता हूँ और कई जो वकील हैं हमारे जो है जो लॉयर्स हैं उनको उनके माध्यम से जो है हम सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट्स में सारे हाई कोर्ट्स में पूरे इंडिया के हाई कोर्ट्स में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्यों नहीं डाल सकते कि बच्चा बच्चे को अनचाहा धर्म मिला हुआ है और हम सबको अनचाहा धर्म मिला हुआ है, हम धर्म के जो है बंधुआ मजदूर हैं जी। तो एंड स्लेवरी ऑफ रिलीजन जो है उसका नारा नहीं चलेगा, तो जो है हम बंधुता कैसे ख़त्म करेंगे। और ऑटोमेटिकली जो जो हमारे को जो है वर्टिकल हायरार्की करके नीचे सबसे रखना चाहते हैं वो उनके जो है उनका उनका आधार ख़त्म हो जाएगा अगर इस मुद्दे को हम चर्चा पे लाते हैं। शुभ नाम? मेरा नाम है जी गिटार अंकल और सुशील आहूजा और मैं राजेंद्र नगर में रहता हूँ 4C/16 में। हाँ जी, मैं आपको जो है एक बुद्धम शरणम का भी सुनाना चाहूँगा जो है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। अब संघं की बात जो होती है तो संघ जो है अच्छे लोगों का अगर संघ होगा तो मोबाइल फोन बन जाएगा, अच्छे लोगों का संघ होगा तो ये जो है आपका स्पीकर बन जाएगा, माइक बन जाएगा, गिटार बन जाएगी और जो है सैटेलाइट बन जाएंगे अच्छे अच्छे जो है रफाल से भी बढ़िया जो है। चरणं गच्छामि, लेकिन संघ अगर गलत होगा तो जो है RSS बन जाएगी, तो वो भी एक संघ है और जो है वो क्या क्या होगा और वो जातिगत जो है वो करने के लिए ऊंच नीच करने के लिए जो है हाँ वो मंजिल बन जाएगी और मंजिल से जो है क्या है कि उनका जो मकसद दूसरा होगा जी। तो वो जो है किसी को कुछ करने नहीं देंगे, इसलिए जो है जो ह्यूमैनिटी है उसको नुकसान होगा। संघं शरणं गच्छामि